एवरीवन वेलकम टू माय चैनल ट्रेवल विद तेज। वेल गाइस, अभी मैं ग्रैंड कैनरी कैनरी आइलैंड में हूँ। जो पीछे से दिख रहा है व्यू, ये पूरा कैनरी आइलैंड का बीच है एंड लॉट ऑफ थिंग्स इन कैनरी आइलैंड। सो वेल, स्टे ट्यून्ड माय वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल गाइस, ये क्रूज टर्मिनल है। यहाँ से अभी हम जा रहे हैं सिटी की ओर। ये पूरा स्ट्रीट है क्योंकि टर्मिनल से सिटी जस्ट 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। और सामने बोर्ड है जहाँ से आपको जहाँ भी जाना है वहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ जाना है। अभी मैं जा रहा हूँ शॉपिंग सेंटर की ओर। सो जो शॉपिंग सेंटर है, ये ग्रैंड कैनरी का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है। यहाँ पर आप सब कुछ मिलता है, यहाँ पे A to Z, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स, सुपर मार्केट, ऑल वाइन्स, जो भी बाई करना है एवरीथिंग यू विल फाइंड इन दिस शॉपिंग मॉल। ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल फोन्स, TV, सेल फोन, वॉशिंग मशीन एंड ये सारे डिज़ाइन भी हैं, लाइक गॉड्स स्टैचू, ये जिसमें आप घर में रख सकते हैं, पूरा डिज़ाइन भरा हुआ। यहाँ पे ब्लिंक काउंटर है। तो अभी मैं शॉपिंग मॉल से बाहर सिटी की ओर जा रहा हूँ। और ये जो सामने ये एक्वेरियम है, इस एक्वेरियम में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पूरा पोइमा डेल मार एक्वेरियम है जिसमें सारे फिशेज एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जब जाओगे डेफिनेटली यू लव इट दिस एक्वेरियम। सो यहाँ से प्याला दी बीच है जहाँ से मैं बीच की ओर जाऊँगा। और ये AC होटल है, बहुत बड़ा होटल है ये ग्रैंड कैनरी में। यू कैन सी कितना बिग है ये, कम से कम मोर देन 25 या 30 फ्लोर है अराउंड, अगर काउंट करेंगे तो। मैंने काउंट नहीं किया। सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। अभी मैं जा रहा हूँ बीच की ओर। तो ये पूरा स्ट्रीट है और सामने ये पार्क है, लास पलमास द ग्रैंड कैनरिया। ये पूरा पार्क है, सिटिंग एरिया है यहाँ पे। सो यहाँ से बस भी मिलती है जो साइट सीन हॉप एंड हॉप ऑफ जो पूरा सिटी का साइट सीन कराती है, द लास पलमास ग्रैंड कैनरिया का। और जो सामने जो स्ट्रीट है, ये द ट्रियाना इन ग्रैंड कैनरी स्ट्रीट, वन ऑफ द फेमस स्ट्रीट है लास पलमास का। तो अभी हम ऑलमोस्ट नियर बाय बीच में पहुँचने वाले हैं, ये टूवर्ड्स टू बीच। तो ये यहाँ का बहुत फेमस बीच है ग्रैंड कैनरी का। तो आप देख सकते हो कितना क्राउड है पूरे बीच में। एंड डेफिनेटली मैं भी इंजॉय करने वाला हूँ, बीच में नहाने वाला हूँ, जाने वाला हूँ। एंड जो वहाँ का वेदर है, अभी वेदर भी बहुत अच्छा है, सनी, 24 डिग्री सेल्सियस वेदर है। और जो बीच साइड है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, पब हैं। सो यू कैन इंजॉय विद ड्रिंक एंड यू कैन टेक सनशाइन एंड यू कैन इंजॉय द वाटर। And after that you can come and all the beach side, all the restaurants and pub you will find in the restaurant side. So one more thing I will tell you, in the Grand Canary one most famous festival in Grand Canary, Pista de la Rama, जो celebrate होता है 4 अगस्त को, बहुत famous festival है। उस time पर यहाँ बहुत ज़्यादा crowd होता है Grand Canary में। Definitely बहुत अच्छा लगा मुझे आज बाहर निकल के Grand Canary में। What a beauty! Well guys, Grand Canary, I will just give you a highlight point why Grand Canary is very famous, because of lot of diverse landscape है यहाँ पे, stunning coastline है and undulating mountains है यहाँ पे, sandy dunes हैं और lava है, बहुत कुछ है, इसलिए Grand Canary बहुत famous है यहाँ पे। ये पूरा बीच साइड का व्यू है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप यू एंजॉयड ग्रैंड कैनरी कैनरी आइलैंड, द ब्यूटी ऑफ कैनरी आइलैंड एंड द बीच साइड। एंड थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।